फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम यू टू माय चैनल आवर एज। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एंड सोशल मीडिया। इसी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सोशल मीडिया यूज करनी चाहिए या नहीं, और अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो कैसे करनी चाहिए, ये सही है या गलत है, आप इसे कैसे मेंटेन रख सकते हो। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, ओनली एंड ओनली यू, आप कैसे यूज कर रहे हो उस चीज का, ये इस बात पे डिपेंड करता है, ना कि कोई चीज बुरा होता है उसे आप बनाते हो। ठीक है, देखो यार, नॉर्मली बोलूं तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोरा, ये सब है, सब सोशल मीडिया है, पर सबके यूज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो तो आपका काम अगर ये रहता है कि आप दिन भर फ्रेंड्स की मैसेजेस चेक करते हो, सबकी स्टेटस देखते हो, तो यार बंद करो। क्यों, आपको किसी और की लाइफ से क्या लेना देना है, पहले अपनी लाइफ बनाओ, फिर दूसरे की लाइफ को देखना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। आपके पास अभी ये टाइम नहीं है, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप ये सब करने टाइम वेस्ट करो, अपना टाइम यूटिलाइज। देखो यार, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसका यूज आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो, आप सिर्फ फ्रेंड्स का मैसेज आया तो उसको यार रिप्लाई कर लेते हैं, उसका स्टेटस देख लेते हैं, उसने क्या लगाया है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उससे थोड़ी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं वो कैसा है। क्या जरूरी है इन सब कामों का, जब आपको यूपीएससी निकालना है तो फिर कंसेंट्रेट करो ना अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप सोशल मीडिया से लो, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, अपने व्हाट्सएप पे थोड़ा कम टाइम दो। ठीक है, पढ़ाई के बाद जब आप थोड़ा बोर हो जाते हो देन आप वो सब चेक किया करो। इससे क्या होगा ना, देखो अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आप पढ़ने में अपना कितना टाइम देते हो, अगर आप 6 घंटे सोच के बैठते हो ना पढ़ने, तो आप 6 घंटे लगातार नहीं पढ़ते हो, उसके बाद आप सोचते हो चलो यार 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और वो 5 मिनट के ब्रेक में जैसे ही आप फोन उठाते हो फिर आपका वो 5 मिनट का आपका 2 घंटा बन जाता है, आपको भी नहीं पता होता है। तो इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा कम करो, अगर हो सके पॉसिबल है तो डीएक्टिवेट कर दो अपना अकाउंट, और अगर नहीं तो फिर आप चलाओ पर बहुत कम टाइम दो। आपको फर्स्ट इम्पोर्टेंस देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना है अपनी पढ़ाई को, एंड देन सेकंड में आप उसको रखो। ओके, और बात रहा आपको अगर सोशल मीडिया यूज करना ही है तो आप कोरा यूज करो, यूट्यूब पे जाओ, कितने अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं जिसको देखने के बाद आपको बहुत नॉलेज होगी, आप वो सब देखो, कोरा पे जाओ, कोरा पे इतने सारे आंसर्स आते हैं, आप भी आंसर करो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है। तो इन सारी चीजों को यूज करो जिससे आपको बेनिफिट हो, वो चीज यूज मत करो जिससे आपको बेनिफिट नहीं हो। ठीक है, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है उस चीज के पीछे क्यों जाना यार, क्योंकि आपका लाइफ बर्बाद होगा ना उसके पीछे। आप बन जाओ फिर उसके बाद आपका लाइफ सब देखेगा, आपसे लोग एग्जांपल लेगा, आपका सक्सेस स्टोरी सब जानेगा, और उस टाइम ना आपका स्टोरी सब देखेगा, आपको किसी की स्टेटस देखने की जरूरत नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, हम ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोज लाते हैं। फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।